यूपी के बुलंदशहर में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी गिरी के पति जगदीश गिरी को शिकारपुर तहसील प्रशासन ने मंगलवार को हिरासत में लिया है। उन पर 3 टैंकर और 1 मिल्क वैन सहित राजस्व बकाया जमा न करने का आरोप है, लेकिन राजस्व बकाया की कुछ राशि जमा करने पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पति को रिहा कर दिया गया। सरकारी बकाए को ध्यान में रखते हुए, विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए, इनके लोगों के घोर विरोध के बावजूद परिसर को सील किया गया। 3 टैंकर और 1 मिल्क वैन इनकी वहां से, जो कि मतलब परिसर में उपलब्ध थी, उनको अपने कब्जे में लिया गया। जगदीश गिरी, जो स्वयं भी एक बकायेदार थे, उनको गिरफ्तार किया गया, यहां लाया गया। किसी को कुछ नहीं बताया इन्होंने, मेरे पति को जबरदस्ती गाड़ी में उठाया, जबरदस्ती धक्का मुक्की करके पब्लिक के बीच में से निकाले। ये कौन लाया है? एसडीएम साहब, एसडीएम साहब कौन ने धक्का मारे हमें? क्या नाम है आपके पति का? अब मेरे वो गाड़ी के भी सारे शीशा खोल लिए, सारी खिड़की खोल ली, अगर ना बैठा जबरदस्ती धक्का देके भीतर उठाएंगे। क्या नाम है आपके पति का? जगदीश गिरी मेरे पति का नाम है और दूध का व्यवसाय है।